मौसमी फलों के पास ना जाना दूर से ही होगा दिल को बहलाना। बढ़ती महंगाई ने कराची के वासियों को मौसमी फलों को हसरत भरी निगाहों से देखने पर मजबूर कर दिया। माह रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही शहर भर के बाजारों में गरा फरोश बेलगाम दिखाई देते हैं, जो शहरियों को मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं। शिकवा शिकायत करते शहरी कहते हैं, प्राइस कंट्रोल करने के लिए यहाँ मौसर कानून क्यों नहीं? कमिश्नर कराची कब संजीदा होंगे? फलों की कीमत रमज़ान आने से पहले ही बढ़ गई है और आसमान से बातें कर रही है। कोई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई अफोर्ड कर सकता है। फ्रूट है ये आसमानों पे बातें कर रहे हैं और महंगाई जो है ना, रमज़ान आया हुए नहीं, महंगाई रोज़ परोज़ बढ़ता जा रहा है। क्या गरीब क्या करोगे, ये कैसे रोजे पकड़ेगे, कैसे ये फ्रूट पे अफ्तारी करता रहेगा, कितना महंगाई होगा ये। अब सवाल ये है कि कमर तोड़ देने वाली बढ़ती महंगाई में कराची के बासी सेहत और गजाइत से भरपूर फलों का बायकाट करके अपने पैसे बचाएं या इनको खरीद कर घर ले जाएं। चूंकि प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद करवाने वाले कमिश्नर कराची मुनाफा खोरों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। रमजानुल मुबारक के नजदीक आते ही फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ये नेमत भी गरीब आदमी से दूर कर दी गई। कैमरामैन साकिब अली के साथ अफजाल खान, Z110 न्यूज़ कराची। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।